जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे RPF SI दरोगा न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में, कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा RPF SI बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, और जो आपके न्यू कैंडिडेट हैं उनको नहीं पता कि RPF क्या है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। और फिर हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि आपका रिटन एग्जाम में कितने विषय से प्रश्न पूछ जाएंगे, जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप RPF में SI बनना चाहते हैं तो। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, आपका सिलेबस कैसा रहता है, इसके अलावा आपका हाइट कितना होना चाहिए, आपका रनिंग कितने किलोमीटर का होगा, टाइम कितना दिया जाएगा, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें RPF के बारे में। जो आपके न्यू कैंडिडेट हैं उनको नहीं पता भाई कि RPF क्या है। तो RPF का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल इसको हिंदी में बोलते हैं। RPF का जो मुख्य कार्य होता है वो आपका यात्रियों की सुरक्षा करना, और आपका जो रेलवे की प्रॉपर्टी है, रेलवे की जो संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करना ही आपका RPF का मुख्य कार्य होता है। RPF में एक कमांडो यूनिट भी होता है, तो कमांडो यूनिट का नाम है कोरास, CORAS। RPF का जो स्थापना हुई थी वो 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। ये थी कुछ जानकारी RPF से रिलेटेड। अब बात करते हैं RPF SI बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल सा आपका इसमें ग्रेजुएशन यानी बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, चाहे आपने BA किया हो, चाहे BA चाहे BCOM कुछ भी किया हो, मतलब बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं RPF SI के लिए आपकी उम्र सीमा कितनी होना चाहिए। तो सिंपल सा इसमें आपकी उम्र 20 से 25 साल होना चाहिए। अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट इसमें मिलती है। अगर आप SC या ST कैंडिडेट हो तो आपको इसमें 5 साल की छूट दी जाती है। बात करते हैं इसमें वैकेंसी के बारे में। तो आपकी RPF SI की 2000 प्लस पद पर आपकी वैकेंसी आएगी, ठीक है। इसके अलावा RPF में आपका RPF कॉन्स्टेबल और RPF ट्रेडमैन की वैकेंसी भी आने वाली है। बात करते हैं फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो तो आपसे लिए जाते हैं 500 रुपये। अगर आप SC ST या महिला उम्मीदवार हो तो आपको देने पड़ते हैं 250 रुपये। अब बात करते हैं आवेदन के बारे में, कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो आपको पता है कि पिछले कई वर्षों से आपकी वैकेंसी नहीं आई हुई है। आपकी जो पिछली वैकेंसी आई थी वो आपकी 2018 में आई थी, तब से आपकी 5 सालों से वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो आपकी जो वैकेंसी आने का जो चांस है वो आपका नवंबर से लेकर आपका दिसंबर, नवंबर आपका दीपावली के टाइम पर आज ज़्यादा हद होगा तो आपका दिसंबर लास्ट तक 100% आ जाएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि अगर आप RPF में SI बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसके रिटर्न एग्जाम के बारे में, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो नहीं टाइम मिल पाता इसकी तैयारी के लिए। तो अगर आपको पहले से पता हुआ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। और आपको पता है कि कई सालों से आपके जो कैंडिडेट हैं वो उसमें इंतजार कर रहे हैं कि कब भर्ती आई हो, कब इसमें अप्लाई करें और कब इसमें सिलेक्शन पा लें। तो आपको तैयारी भी इसमें अच्छी खासी करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें सिलेक्ट हो पाओगे। क्योंकि जो आपका ये एग्ज़ाम होता है, ये आपका नेशनल यानी राष्ट्रीय लेवल का एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया का कैंडिडेट इसमें अप्लाई करता है। तो आपको तैयारी भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। बात करते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। तो इसमें 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, GK GS प्लस करंट अफेयर्स इसी में इंक्लूड रहता है, उसके 50 प्रश्न रहते हैं, मैथ के 35 और रीजनिंग के 35। टोटल आपके 120 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, जो कि आपके 120 मार्क्स के रहते हैं। और आपका पेपर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाता है, ठीक है ना। ऑनलाइन आपका पेपर होगा और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की होती है। इसका मतलब अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। बात करते हैं एग्जाम की लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कोंकणी, इसके अलावा भी आपकी अदर लैंग्वेज हैं, उसमें भी आप RPF SI का पेपर दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। बात करते हैं सिलेबस के लिए। तो सिलेबस के लिए आप SSC CGL का जो आपका प्रीवियस ईयर यानी पुराने साल के पेपर हैं उनको सॉल्व करिए, और आपका जो
सीजीएल के जो आपके प्रैक्टिस सेट है उनको लगाइए, क्योंकि आपका जो आरपीएफ एसआई का जो पेपर है वो इंडियन लेवल का आपका पेपर रहेगा, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो सीजीएल में थोड़ा टफ आता है और आरपीएफ एसआई का थोड़ा नॉर्मल रहेगा। तो आप सीजीएल को, जब सीजीएल के आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे, तो आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा आप एसएससी सीपीओ जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, वो भी आपका दरोगा का एग्जाम होता है, जिसमें आप दिल्ली पुलिस बीएसएफ और इनमें भी आप दरोगा बन सकते हो। तो आप एसएससी सीपीओ के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हैं, ठीक है ना। और आपको जो यूट्यूब में आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपके आरपीएफ एसआई के जो पिछले साल का पेपर है वो आप लगाइए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका किस लेवल के इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। सिलेबस सेम ही रहता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, सेम सिलेबस रहता है, अलग से उसमें नहीं पूछा जाएगा। इसमें तो आपको तीन सब्जेक्ट ही कवर करने हैं। जब आप सीजीएल का प्रैक्टिस सेट या पुराने पेपर लगाओगे तो इसका एग्जाम आसानी से क्रैक कर लोगे। बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो जो इसमें पुरुष उम्मीदवार का जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष SC ST कैटेगरी में आता है तो उसका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। बात करते हैं इसमें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला SC ST कैटेगरी में आती है तो उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर भी हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसके चेस्ट के बारे में, तो इसमें जो चेस्ट आपका नापा जाता है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव आना चाहिए। बात करते हैं रनिंग के बारे में, तो आपका इसमें जो दौड़ होता है पुरुष उम्मीदवार का वो 1600 मीटर का रनिंग होगा, 6:30 का इसमें टाइम मिलेगा। महिलाओं का इसमें 800 मीटर का रनिंग होगा और 4 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा। बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में, यानी आपकी लंबी कूद, तो लंबी कूद इसमें जो आपकी पुरुष उम्मीदवार की होगी वो 12 फीट की होगी और महिला उम्मीदवार की 9 फीट की होती है। बात करते हैं आपकी हाई जंप के बारे में, ऊंची कूद, तो ऊंची कूद में जो आपकी पुरुष उम्मीदवार की जो डिस्टेंस रहेगी वो आपकी 3 फीट 9 इंच की रहेगी और महिला उम्मीदवार की 3 फीट की रहेगी। बात करते हैं इसके वजन यानी इसके वेट के बारे में, तो इसमें जो आपका वजन होना चाहिए वो मिनिमम 50 किलोग्राम होना चाहिए। बात करते हैं आपकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में, तो आपको पता है ये आपका 4200 ग्रेड पे वाला जॉब है, तो 4200 ग्रेड पे में आपकी सैलरी बनती है 35,400 रुपये। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे TA DA HRA राशन मनी और आपका ड्रेस का अलाउंस, उन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी शुरुआत की सैलरी बनती है 50 से 60 हज़ार के बीच में। आपका सिटी वाइज डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सिटी में पोस्टिंग है। बात करते हैं आपकी प्रमोशन के बारे में, तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले आप बनोगे सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के बाद आप 7-8 साल आप कार्य करोगे, उसके बाद आप प्रमोट होगे इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के बाद फिर आप सर्कल इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर के बाद जोनल इंस्पेक्टर, और जोनल इंस्पेक्टर के जो आपका लास्ट का पद है वो आपका DSP या CO, जैसे हम सर्कल ऑफिसर भी बोलते हैं। DSP यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहीं से आप रिटायर्ड हो जाओगे, लास्ट पड़ाव आपका CO ही रहता है। तो ये थी कुछ जानकारी आपके RPF SI से रिलेटेड। आप अभी से तैयारी में लग जाइए, आपकी वैकेंसी नवंबर दिसंबर में 100% आने के फुल चांस है। इसके अलावा RPF SI से रिलेटेड कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।